योगी के राम राज्य में भीम आर्मी का नाम सुनते ही क्यों भड़का दरोगा, क्यों बरसा दिए उसने भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष पर लाठी और डंडे। सोशल मीडिया पर यह खबर जो है अभी जमकर वायरल की जा रही है। इससे पहले रायबरेली का एक ट्वीट आया था, उसमें यह साफ तौर पर देखा जा रहा था कि उसने इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब भीम आर्मी मैदान में उतरी तो रायबरेली के भी शब्द बदल गए, यानी कि जो रायबरेली की पुलिस है यूपी पुलिस, उनके भी शब्द बदल गए और अब वहां पर कार्रवाई की जो है की जा रही है कि कार्रवाई चल रही है और उसके आदेश दे दिए गए हैं। पहले मैं आपको रायबरेली का वो ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें किस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई थी, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। लिखा है रायबरेली पुलिस ने कि थाना बछरवा पुलिस टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान संबंधित व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घूमता पाया गया। पूछताछ करने पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। उस व्यक्ति के परिजनों को बुलाकर सकुशल सुपुत्र किया गया है। और वहां पर पुलिस लिखती है कि पुलिस पर लगाए गए आरोप असत्य व निराधार है। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने तो एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया था पहले, लेकिन जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर क्या तस्वीर है, ये क्या बयां करती है तस्वीर की? शख्स के ऊपर जो इसके शरीर पर जो चोटों के निशान है वो आखिर आए कहाँ से? ऊपर से भगवान ने दे दिए या फिर इसने अपने आप खुद ले लिए? ये पूछता है भारत कि आखिरकार यूपी पुलिस ऐसे ही किस तरह से जो आम लोगों पर, गरीब लोगों पर अत्याचार करती है वो कब बंद होंगे और इसके ऊपर कब कार्रवाई करेगी यूपी पुलिस और यूपी की सरकार? लगातार जो यूपी के अंदर तस्वीरें सामने आती हैं कि राम राज्य है, ठीक है, यूपी के अंदर तस्वीरें सामने आती हैं कि बाबा का बुलडोजर चलता है, लेकिन ऐसे दरोगाओं पर कब बाबा का बुलडोजर चलेगा? जो दरोगा लगातार ऐसे अपराधों को करते आते हैं, इनका जोर जो है अपराधियों पर नहीं चलता, इनका जोर केवल गरीब लोगों पर, शोषित लोगों पर, इनके ऊपर ही चलता है। आपने आमतौर पर तस्वीरें देखी होंगी यूपी पुलिस की कि किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगते आए, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। और मैं आपको इसी खबर से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि लगातार जो भीम आर्मी द्वारा अब अपील की जा रही है, मांग की जा रही है दरोगा को निलंबित करने की, वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है। पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ जो कि भीम आर्मी के एक निखिल राव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष की बछरवा पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती थाने में बंद करके रात भर पीटने के आरोप में भीम आर्मी प्रदेश संगठन सचिव निखिल राव, एएसपी प्रदेश संगठन मंत्री सौरभ किशोर, लखनऊ अध्यक्ष अरविंद राजवंशी जी, लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष विजय सिंह पहुंचकर सीओ बछरवा से मुलाकात करके आरोपी एसआई एवं कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने के लिए ज्ञापन दिया। सीओ बछरवा द्वारा 24 घंटे का समय मांगा है कार्रवाई के लिए। 24 घंटे के बाद कार्रवाई नहीं होती है, भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं रायबरेली पहुंचेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लड़ाई है वो किस तरह से बढ़ सकती है। अगर सीओ साहब ने 24 घंटे के अंदर दरोगा को निलंबित नहीं किया, दरोगा के ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो वहां पर खुद चंद्रशेखर आजाद रावण जो है रायबरेली पहुंचेंगे और जो ये लड़ाई है वो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़ सकती है और क्या कुछ इसका अंजाम हो सकता आगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस ये कह रही है कि उसने मारपीट नहीं की, दरोगा ने खुद इस बात से इनकार किया कि मैंने मारपीट नहीं की, तो मैं दोबारा आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर क्या बयां कर रही है, इस शख्स को आखिर पीटा किसने है? आइए पहले अब शख्स की भी बात सुन लेते हैं कि उस शख्स ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, हम ही बोलते रहेंगे तो उसकी आवाज कौन उठाएगा। शख्स की आवाज सुनिए कि शख्स ने क्या कुछ कहा है, अपने बयान क्या दिए है शख्स ने। मैं सौरभ कुमार, बछरवा ब्लॉक अध्यक्ष भीम आर्मी। मैं कल 29 तारीख दिल्ली के बगल में सूरतपुर ग्राम सभा वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ गया हुआ था लड़की की शादी में। वहाँ से तकरीबन 1:30 बजे समथिंग मैं वहाँ से निकला और बछरावा पहुँचा सिवर रोड के पास, और ब्रिज जो हमारा समापन होता है वहीं पर हमारे बछरावा थाना के एसआई दिनेश गोस्वामी और एक कांस्टेबल रुकवाया हमें। रुकवाने के बाद उसने पूछताछ की कहाँ से आ रहे हो इतने समय रात में, तो हमने बताया सर वहाँ से निमंत्रण करके हम आ रहे हैं। तो उसने कहा आईडी दीजिए, हमने आईडी दी। आईडी देते ही हमने कहा सर जी इसमें हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है और निमंत्रण करके आ रहे हैं, बस इतने में गाड़ी में आगे लिखा था हमारे भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष, उसको देखते हुए जाँच सूचक गालियाँ देने लगा, माँ बहन की गाली देने लगा। हम लोगों ने कहा सर जी गाली दीजिए, गर्दाने दीजिए, बस इतने में उसने हमें घसीटते हुए वहाँ से ले गया और थाने ले गया। हमको हमारे मित्र को लाठी से बहुत बेरहमी से मारा गया है, तो हमें प्रशासन से हाथ जोड़ करके उम्मीद है। तो दोस्तों, आपने सुना, ये ही है वो शख्स जिसके ऊपर यूपी की पुलिस ने, बछरवा के जो दरोगा थे उन्होंने किस तरह से लाठी डंडे बरसाए हैं सिपाही के साथ मिलकर। इसका गुनाह केवल, अपराध केवल इतना था जो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है कि इसकी जो गाड़ी थी उसके ऊपर भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष लिखा हुआ था, भीम आर्मी की जो तस्वीर लगी हुई थी, लोगो लगा हुआ था, और इसकी जाति जो है वो अनुसूचित जाति के अंदर ही आता था।
यहाँ दोस्तों एससी एसटी के अंदर आना अपराध हो गया क्या, या भीम आर्मी गाड़ी पर लिख लेना अपराध हो गया क्या, और लोग नहीं घूमते क्या? तमाम देश के अंदर हिंदू संगठन है जो खुलेआम बजरंग बली की जो है वहाँ पर तस्वीर लगा लेते हैं, बजरंग बली लिख के घूमते हैं, हिंदू वहनी लिख के घूमते हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन आखिरकार एससी एसटी ओबीसी के लोगों से ही पुलिस को प्रशासन को क्या आपत्ति है? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या इनको देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है कि आप लोग जब भी देखेंगे भीम आर्मी का लोगो लगा है या चमार लिखा है, जाटव लिखा है, या कोई भी अनुसूचित जाति या एसटी की लिखी जाती वहां पर है, तो आप उसके ऊपर जो है पकड़कर थाने में बंद कर देंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे? क्या देश के अंदर ऐसा ही होते रहेगा? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके इसकी आवाज भी साथ साथ उठाते रहें। और आपकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें।